हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री। और इस चैप्टर से मैं 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सेकंड वीडियो में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में डिस्कस किया था। थर्ड वीडियो में उसके सिंथेटिक यूजेस के बारे में डिस्कस किया था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी थर्ड ईयर में मिलेगा एक टॉपिक, और थर्ड ईयर में ही आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलेगा आपको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के नाम से एक चैप्टर। तो इन दोनों चैप्टर को मैं एक तरह से कंबाइन करके इनमें इनकी वीडियोज में प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टीन। इससे पहले हम बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे सिलेबस में है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ टीन में बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है उसे भी हम डिस्कस करेंगे, और फाइनली डिस्कस करेंगे यूजेस के बारे में। तो अगर आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेजेस में आप वहाँ पर एजुकेशन को गेन कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह से नोट करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कब कहलाएगा, जब उसमें कम से कम एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वन कार्बन मेटल बॉन्ड। अब कार्बन की जगह जैसे कोई अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3 मिथाइल ग्रुप। और मेटल की जगह मेटल आप कौन कौन सा यूज कर सकते हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो, ठीक है। मेटल कौन सा यूज किया जा सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लिथियम। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहां पर आप उसे जाकर के लेक्चर को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। तो देखिए इसका नाम है मिथाइल लिथियम, ठीक है। कोई भी मेटल आप यहां पर ऐड कर दे, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से कम होनी चाहिए, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसी प्रकार से टीन का भी कंपाउंड्स है, टीन के भी कंपाउंड्स कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बनाएंगे, तो इसलिए हमने बोल दिया कि ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टीन। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से इसे प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशंस। अब प्रिपरेशन में हम जानेंगे किस प्रकार से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टीन, टीन के कंपाउंड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने दो रिएक्शन लिखी है जिसके द्वारा यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन ऑफ टीन विद एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ मरकरी। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ मरकरी पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ मरकरी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मरकरी क्या है, डाई मिथाइल मरकरी हमने लिया है और उसके दो मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप वहां पर रटने की बजाय आप वहां पर क्या करो कि उसकी स्ट्रक्चर को ओपन कर दो। हमें पता है मरकरी की वैलेंसी दो होती है, तो वही इस प्रकार से CH3 ग्रुप को जोड़ रखा होगा, ठीक है। दो, तो यहाँ पर CH3 ग्रुप को इस प्रकार से जोड़ रखा होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दो मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है। दो मॉलिक्यूल का मतलब ये जितने भी आपको CH3 दिखाई दे रहे हैं, ये HG दिखाई दे रहा है, CH3 दिखाई दे रहा है, ये मतलब दो दो हो गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर तीन लगा दूं, तो इसका मतलब तीन मॉलिक्यूल है। तीन मॉलिक्यूल में सभी के सभी मतलब तीन एटम भी हो जाएंगे, तीन CH3 ये वाला, तीन CH3 ये वाला, तो इस प्रकार से टोटल 6 CH3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें समझना है, या फिर मैं इसे इस दो ना लिख करके इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ CH3 HG CH3। तो इसकी पूरी ओपन स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये रिएक्शन करेगा मेटल SN के साथ। SN क्या है, टीन। अब ये मरकरी क्या है, ये भी एक मेटल है, तो मेटल मेटल को करेगा रिप्लेस, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो टीन है ये इस मरकरी को रिप्लेस कर देता है, और इसके जो चार मिथाइल ग्रुप हैं, क्योंकि यहां पर जो SN है इसकी वैलेंसी कितनी है, चार। अगर इनकी वैलेंसी की हम बात करें मरकरी और टीन की, तो मरकरी और टीन की जो वैलेंसी होती है वो चार होती है, और मरकरी की वैलेंसी जो है दो होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों, कि ये जो मरकरी है ये इसे रिप्लेस कर देता है HG को। अब HG के कितने एटम है, दो एटम है, आप देख सकते हैं एक दो, क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने दिखा रखा है। तो दो यहाँ पर, दो और दो चार हो गए यहाँ पर CH3 ग्रुप, और दो यहाँ पर हमारे पास मेटल है, कौन से, मरकरी।
तो इस प्रकार से मरकरी के दो मेटल बाहर निकल गए, चार शेष त्रिग्रुप यहाँ पर आकर के जुड़ गया और SN की वैलेंसी चार है, तो ये इस प्रकार से इन्हें जोड़ लेता है, CH3 और CH3 इस प्रकार से इन्हें चारों वैलेंसी पर जोड़ लेता है। तो इस प्रकार से निर्माण होता है टेट्रा मिथाइल टीन का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को ओपन करो, कोई भी रिएक्शन आप आसानी से समझ सकते हो। अब यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, सेकेंड रिएक्शन में होता ये है कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि रिएक्शन करता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो कि SnCl4 के साथ, तो हमें प्राप्त होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टीन। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये लिया है हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो रियल फॉर्मूला है वो ये है RMgX। R क्या है, R एक एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, नोलाइल, डिकाइल, मतलब ये मैं बहुत आगे चला गया, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, मिथाइल इथाइल यूज करते हैं जनरली, ठीक है। अब यहाँ पर ये है मैग्नीशियम और एक्स मतलब हैलाइड, हैलाइड कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आपको बता दूं कि हैलाइड फ्लोरीन यूज नहीं होता, बाकी सब क्लोरीन, आयोडीन और साथ में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाँ ब्रोमीन भी यूज होता है। सो फ्लोरीन को छोड़कर जितने भी हैलाइड है वो सभी यूज होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमने कितने लिए हैं, RMgX, क्लियर हो गया, R अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कौन सा यहाँ पर है, इथाइल ग्रुप, ये C2H5 क्या है, इथाइल ग्रुप। इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करोगे तो ये CH3CH2 इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, चार मॉलिक्यूल, और दूसरी तरफ ने क्या लिया है, SnCl4। अब इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये जो SN है इसे चार अल्काइल ग्रुप मिल गए, चार अल्काइल ग्रुप मिल गए, इसकी वैलेंसी कंप्लीट। अब ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और दूसरी तरफ क्या हुआ, 4MgCl2 बाहर निकल गए। अब ये जो Cl2 कितने हैं, 4 × 2 = 8। अब 8 Cl2 कहां से आ गए, क्लोरीन एटम, 8 कहां से आ गए, 4 × 2 = 8 क्लोरीन एटम कहां से आए, अब देखो ध्यान से, 4 क्लोरीन एटम यहां से आ गए और 4 और 4 यहां पर क्लोरीन एटम यहां से, ठीक है। इस 4 का मतलब क्लोरीन एटम 4 है और यहां पर Cl4 है, इसका मतलब ये 8 क्लोरीन एटम इस 4MgCl के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4Mg के एटम है और Mg की वैलेंसी क्या होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इसकी 2 वैलेंसी होगी तो क्या होगा, अब यहाँ पर 4 का मतलब ये है कि 8 इस पर दो दो जुड़ जाएंगे क्लोरीन एटम इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इसे, ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर को ओपन करके समझें। देखिए अब यहाँ पर हमने ले लिया है फिनाइल ग्रुप, यहाँ पर क्या लिया था हमने एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर हमने क्या लिया है फिनाइल ग्रुप। अब देखिए ये, अब ये भी सेम वही रिएक्शन होगी, बस हुआ क्या, जो फिनाइल ग्रुप है वो रिप्ले वहां पर आकर के SN जो है इसके यहाँ इसके साथ फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनता है टेट्रा फिनाइल टीन और इसे क्या बोलेंगे, टेट्रा इथाइल टीन, ठीक है। तो जोन सा एल्काइल ग्रुप यहाँ पर बीच में आता है वो भी चार वैलेंसी के साथ जुड़ जाता है, टेट्रा फिनाइल ऑफ टीन का मतलब समझ रहे हैं। इसकी अगर स्ट्रक्चर को आप ओपन करें तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बेंजीन के एटम आप बना लीजिए इस प्रकार से, और ये लिया ठीक है, ये लिया और ये हमने इस प्रकार से बना दिया। तो इस प्रकार से भी इसकी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। C6H5 4 या फिर हम यहाँ पर C6H5 चारों कोनों पर जोड़ सकते हैं। तो टीन की वैलेंसी 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम नोट करके चलेंगे, इन रिएक्शंस को नोट कर लें, दोनों रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में थर्ड हेडिंग डालेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम और SnCl4 ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। तो इस रिएक्शन को आप आसानी से समझ सकते हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के दो एग्जाम्पल दिए थे, इसी प्रकार से ये भी है और ये भी इसी प्रकार से, देखिए कैसे है। अब यहाँ पर क्या है, हमने लिए है, ये क्या है, उन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, एल्काइल का मतलब हमने यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, मिथाइल ले ले चाहे इथाइल ले ले, तो हम इन्हें यहाँ पर मिथाइल ले लिया है, तो मिथाइल लिया है। अब एल्यूमिनियम की अगर बैलेंस की बात करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 2, 8, 3, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 2, 8, 3 बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3। तो 3 मरकरी को, सॉरी 3 मिथाइल ग्रुप को आपस में इसे जोड़ के रखता है और हमने कितने यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल लिए हैं, 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पर जैसे हमने ये ले लिया है AlCH3, तो ये जो CH3 है
वो इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसके चार ऐसे ऐसे हमने चार स्ट्रक्चर हमने ले लिए हैं, तो इस प्रकार से हम इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे चार स्ट्रक्चर हमारे पास है यहाँ पर सिर्फ इसके अंदर, तो इस प्रकार से समझना है। और उसके बाद अब देखिए आगे क्या होता है, हमने 3SnCl4 ले लिए। अब ये क्या करेगा, ये जा करके इस एल्यूमिनियम को कर देगा रिप्लेस, तो हमें तीन मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे, ठीक है। टेट्रामिथाइल तीन के तीन मॉलिक्यूल है, मतलब हमें भारी मात्रा में प्राप्त होगा। दूसरी तरफ 4AlCl3 बाहर निकल जाएगा। अब ये जो आपको Cl4 दिखाई दे रहा है, ये इस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर लेगा और इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, बाय द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड विद SnCl4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब हमने SnCl4 के, ये बिल्कुल कॉमन रिएक्शन है, आसान रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ, आपको हमारा मेन प्रोडक्ट मिल गया, चार वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अल्काइल ग्रुप मिल गया जो कि है इथाइल, और ये लिथियम कहां जाएगा, ये लिथियम इस Cl4 के साथ रिएक्शन कर लेगा। या फिर आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, एक और तरीका है समझने का, सबसे अच्छा तरीका इसे भाई C2H5, अगर इसकी भी स्ट्रक्चर को ओपन करूं तो मैं ये इस प्रकार से और ओपन होगी CH3CH2, और ये जुड़ा है लिथियम के साथ। अब ऐसे ऐसे चार मॉलिक्यूल है ऐसे ऐसे अगर मैं यहाँ पर लगा दूं, तो अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग करूंगा लिथियम और कार्बन के बीच, क्योंकि ये कार्बन और लिथियम के बीच बॉन्ड बना हुआ है, ना कि हाइड्रोजन पर, मत समझना, क्योंकि हाइड्रोजन इसके कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार, तो दो तो हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरे वाले कार्बन के साथ और यहाँ पर एक लिथियम के साथ, तो चार वैलेंसी कंप्लीट। अब मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा माइनस चार्ज, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लिथियम, और लिथियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल लिथियम है, जिसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे हर जगह लिथियम एक सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल भी बोलते हैं इसे। तो सो गाइज यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस। अब दूसरी तरफ SnCl4 की बात कर लें, तो हैलाइड्स आपको पता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हैलाइड्स, चाहे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका आपस में कंपैरिजन नहीं, लेकिन अगर हम पूरे दूसरे एटम के कंपैरिजन में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हैलाइड सबसे ज्यादा। तो हैलाइड और SN के बीच जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो SN पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इन चारों SN के चारों वैलेंसी पर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज, और उन पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये नेगेटिव आपस में चारों के चारों रिएक्शन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा टेट्राइथाइल तीन। और जो जो यहाँ पर इस पर जो माइनस चार्ज आया था, ये इस प्लस वाले लिथियम के साथ रिएक्शन करके 4AlCl बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं, CH3CH2 और ये SN, CH2CH3। तो ऐसे ऐसे दो यहाँ पर भी लगा लो, ऊपर की तरफ भी ऐसे ऐसे दो लगा दो, यहाँ भी ऐसे ऐसे ऊपर दो लगा दो, क्योंकि अगर यहाँ पर जो क्लोरीन एटम, इन चारों जगह पर क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन का अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो माइनस आता है क्लोरीन पर, इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पर चारों तरफ से प्लस चार्ज आएगा, तो ये जो माइनस चार्ज वाला है, मतलब कि ये जो माइनस चार्ज वाला है, आपस में आकर के जुड़ जाता है, तो माइनस वाला प्लस पर जुड़ रहा है, प्लस वाला माइनस पर जुड़ रहा है, इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं रिएक्शन को। अब नेक्स्ट रिएक्शन है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल क्या है, अल्काइल मैंने आपको बताया मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से जो भी है अल्काइल। अब हैलाइड की बात कर ले तो हैलाइड जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर ये देखिए अल्काइल हमने ले लिया है इथाइल और क्लोरीन, यहाँ पर है हैलाइड, तो चार मॉलिक्यूल है अल्काइल हैलाइड के, इसका नाम क्या होगा, इथाइल है, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इथाइल क्लोराइड के चार मॉलिक्यूल ले लिए हैं और साथ में हमने लिया है 4Na, रिएक्शन करवा दिया हमने सोडियम के चार मेटल के साथ और प्लस SN भी हमने लिया प्रेजेंस ऑफ SN, तो ये जो सोडियम है इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि जब इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा इथाइल और इसके बाद इस पर माइनस, इस पर प्लस, और यहाँ पर ये जो है इस माइनस वाले को लेकर के चलता बनेगा सोडियम, लेकर के भाग जाएगा, और ये जो SN है ये इसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ जाएगा और टेट्रा इथाइल तीन बना लेगा, प्लस 3SN के एटम जो है बाहर निकल जाएंगे अगर आपने यहाँ पर 4SN लिया है तब, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने 4 ले लिया है, 4 का मतलब सोडियम भी और 4SN भी, तो 3SN तो बाहर निकल जाएंगे प्लस 4NaCl भी बाहर निकल जाएगा, ये NaCl है इसके साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज। सो गाइज हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपके क्वेश्चंस एमसीक्यूज के माध्यम से पूछे जाते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए प्रॉपर्टीज।
तो नोट करेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है। ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स आर जनरली नो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड और लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इनके जो मेल्टिंग और पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेट्रामिथाइल टीन इज 78 डिग्री सी। नोट करेंगे अच्छी तरह से, टेट्रामिथाइल टीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सी पर होता है। सो दे आर कोवेलेंट आर सोल्यूबल इन बेंजीन एंड अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं, मतलब इनका जो बॉन्ड बना होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कहां पर बना होता है, जब कोई एक एटम ये हो गया एक एटम हो गया, ये एक एक इलेक्ट्रॉनों की बराबर शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इनके बीच बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। एंड आर सोल्यूबल इन बेंजीन, बेंजीन में ये सोल्यूबल है और अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट जितने भी है उसमें ये सोल्यूबल है। बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये प्रॉपर्टी आती है, ये एसिड के साथ रिएक्शंस करके एल्केन्स देते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसे नोट कर लें कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टीन होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं टेट्रामिथाइल टीन की, तो ये रिएक्शंस करता है HCl मतलब कि एसिड के साथ और बनाता है ट्राइमिथाइल स्टेनिक क्लोराइड, और साथ में हमें प्राप्त होता है एल्केन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेथेन बना हुआ है। सो यहाँ पर थोड़ा रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये SN है, इसकी स्ट्रक्चर को हमने कर दिया है ओपन। इस स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से ओपन कर लेंगे, मिथाइल ग्रुप चारों तरफ जुड़ गया और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे पास है HCl। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, S पर यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्लोरीन पर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर मिथाइल पर आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मिथाइल पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये हाइड्रोजन आकर के इसे जोड़ लेगा, ऐड कर लेगा। ऐड करने के बाद ये CH3 को एक हाइड्रोजन मिल गया, तो ये बन गया CH4 में। CH4 क्या है, एल्केन। एल्केन क्यों कहा, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर CH4 की स्ट्रक्चर देखोगे तो इस प्रकार से होगी, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मेथेन है इसका नाम और इसलिए ये एल्केन इसे कहा जाता है। तो एल्केन बन गया और ये जो Cl एटम है इस पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर है प्लस चार्ज इस SnCl पर, तो क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा ट्राई मिथाइल स्टेनिक क्लोराइड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। प्यारे दोस्तों अब हेडिंग डाल लेंगे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि कैसे ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग होती है। सो लिख लेंगे ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स आर जनरली टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होता है ड्यू टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन एज शोन बिलो, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो बात करें हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में जो टीन होता है उसके 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 5s और वाइटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 5p में 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी इस प्रकार से, यहाँ पर पेरिड है यहाँ पर अनपेरिड है। लेकिन जैसे ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये कूद करके p में चला जाता है। अब ये p में चला जाएगा तो यहाँ से निकल करके और ये पूरे के पूरे 4 अनपेरिड इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर इसके लिए जगह बन गई। अब ये 4 किसी CH3 एटम के 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए, अब इसके बीच किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनती है, तो आपने देखा कि यहां से अब क्या होगा, अब यहां पर जगह बन गई, 4 CH3 के एटम आकर के पेयरिंग कर सकते हैं। तो यहां पर आकर के इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये पेयरिंग CH3 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 के इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग कर लिया और एक s और p 3 3 p के, तो कितने बन जाएंगे sp3, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और आपको पता है कि sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, और ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रामिथाइल SN3। आपने देखा यहाँ पर टेट्राहेड्रल नेचर का इस प्रकार से शो करता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इसमें एक बात नोट करके रखना कि ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए MCQs में, क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है टेट्रामिथाइल टीन की, ये किस मतलब कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तब आप वहां पर लिख सकते हैं ये एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर ज्योमेट्री पूछे तो वहां पर आप डाल देना है टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे।
सो गाइज, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है यूजेस, और यूजेस में आपको पता है कि ये इसका यूजेस जो है वो ट्राई अल्काइल तीन कंपाउंड्स 20 ट्राई टर्सरी ब्यूटिल 10 ऑक्साइड जो इनके होते हैं वो यूज्ड होते हैं प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होता है क्रॉस इन्फेक्शन, उसकी वजह से उसे प्रिवेंट करते हैं, उसके द्वारा सुरक्षा करते हैं। सो यहाँ पर ऑर्गेनोटीन कंपाउंड आर यूज इन स्टेबलाइज द पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक्स एंड दे आर ऑल्सो यूज इन फंजाइसाइड इन एग्रीकल्चर। तो प्लास्टिक को स्टेबलाइज में करने में, या फिर हम बात करें फंजाइसाइड का, मतलब होता है जो फंगस को मारते हैं, ठीक है, जो हमारे कवक होते हैं जो बहुत सारे नुकसान करते हैं, हमें बहुत हार्मफुल एक्टिविटीज शो करते हैं, तो फंजाइसाइड के रूप में उसका यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। और भी यूजेस आप लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, और अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये था यूजेस। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनिल्स के ऊपर वीडियो, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th+12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।